गढ़वा के फरटिया में खुलेगा अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, राज कैबिनेट की मिली मंजूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गढ़वा। सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के अथक प्रयास से गढ़वा प्रखंड के फरटिया में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुलेगा। राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। फरटिया में लगभग 8 एकड़ भूमि पर 15 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। अपने अल्पसंख्यक भाइयों की शिक्षा की स्तर में सुधार हेतु यह आवासीय विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। उच्च स्तर की शिक्षा यह विद्यालय प्रदान करेगा। इस आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। क्लास 6 से 10 में 2 सेक्शन जबकि क्लास 11 एवं 12 में 3 सेक्शन होंगे। प्रथम चरण में कुल 480 स्टूडेंट की क्षमता से यह विद्यालय प्रारंभ होगा। आरंभ से ही सर्व सुविधा संपन्न होगा। विद्यालय के फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी बजट की स्वीकृति दे दी गई है। याद हो कि गढ़वा जिले में अल्पसंख्यक भाइयों में शिक्षा का प्रतिशत कम है। जिले में एक अच्छे शिक्षण संस्थान के अभाव में गरीब बच्चे बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं। बाहर जाकर अच्छी शिक्षा लेना सबके बूते की बात नहीं होती है। यह शिक्षण संस्थान अब इस गैप को भरेगा। जिले के प्रतिभावान बच्चे यहां उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना आदि के क्षेत्र में अगले वर्षों में काफी सुखद परिणाम परिवर्तन देखने को मिलेंगे। धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के ऊपर उठकर प्राथमिकता के आधार पर स्वर्णिम विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर उसे क्रियान्वित करने का प्रयास होगा। आ गया आपके शहर गढ़वा में टेक्समो समरसेबल पंप और मोनो ब्लॉक मिलता है, जिसका आपको बरसों से था इंतजार। अब आपके शहर में जो बरसों से सेवा दे रही है, यूनाइटेड सेनेटरी एंड बोरवेल्स में टेक्समो समरसेबल पंप उपलब्ध है, जो कि हर समय आपका साथ देने वाला पंप है। न रुकेगा न थकेगा, एक बार लगाएं और हमेशा सुकून से पानी इस्तेमाल करें और बार बार खराब होने से झंझट से मुक्ति पाएं। एक बार सेवा का अवश्य मौका दें। यूनाइटेड सेनेटरी एंड बोरवेल्स, रेहला रोड, सोनपुरवा, गढ़वा। मोबाइल नंबर है 9431363753। दूसरा नंबर है 9955677042। धन्यवाद।